लोकसभा चुनाव के बीच बिहार की राजनीति में अलग ही सियासत छाई हुई है। यहां सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर कई निशाने साधे। इतना ही नहीं, राजनीतिक हमले करते करते वो व्यक्तिगत हमले भी करते दिखाई दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, इतना नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए था। अब इसको लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हमलावर हैं और उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि आजकल वो नहीं बोलना चाहते लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है, जो लोग उनसे बुलवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश से लेकर पीएम मोदी तक के भाई बहनों के बारे में बता डाला। केवल पीएम मोदी नहीं बल्कि उनके दादा तक के भाई बहनों के बारे में बता डाला। सुनिए, उनका सम्मान करते ही हैं, आजकल उन वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है, कौन लोग हैं बुलवाने वाले लोग, बोलते रहते, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संस्थान थे जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी उनके 8 बच्चे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं, पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे, राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14 उनके 14 बच्चे थे, देवगोरा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं, क्यों नहीं मांग करें बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का, किससे अब मांगेगी बिहार की जनता, अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।